रवि मेहता जी, दिनेश जी, वीना जी, रूपा जी भी यहाँ पर हैं, डीजी जी भी यहाँ पर हैं, और यहाँ सभी पार्टी के साथी भाई और बहनों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आप शिमला में आज के इस कार्यक्रम में, जहां हमने हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल वैन की शुरुआत की, उसमें भी आप शरीक हुए, और उसके पश्चात आप सब लोग यहां आपके इलाके की एक जो महत्वपूर्ण मांग थी, उस मांग को पूरा करने के पश्चात, यानी कि एसडीएम के दफ्तर की आपकी बहुत लंबे समय से एक मांग थी, उसको पूरा होने पर आप सब आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। आप सबका मैं भी धन्यवाद। बहुत लंबी बात कहने की नहीं है इस अवसर पर। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि कौन किस क्षेत्र का प्रतिनिधि के नाते, विधायक के नाते चुन करके आया है, किस दल का आया है, हमने इसको कभी भी अपने दिमाग पर रखा नहीं। उस क्षेत्र की समस्या क्या है और उस क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। सुन्नी एक ऐसा इलाका है जहां मैं अपने इलाके के लिए आने जाने का रास्ता वहां से तय करता हूं। अगर इस रात जाना होता है तो हमारा रास्ता, वो सबसे नजदीक रास्ता वही बनता है जाने का, इसलिए आते जाते सब साथियों से मिलना भी होता था, और सरकार बनने के बाद जब वहां पर जाना हुआ तो आप सब लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है एसडीएम के दफ्तर ना होने की वजह से। इसलिए हमने तय किया कि पहले तो हमने ये किया कि एसडीएम दो दिन के लिए वहां पर आएंगे, कुछ राहत उससे हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सब लोगों का कहना था कि इससे नहीं बन पा रहा है, दो दिन से गुजारा नहीं, स्थायी रूप से यहां पर एसडीएम का दफ्तर होना चाहिए। और आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और क्षेत्र की जरूरत को महसूस करते हुए हमने एसडीएम का दफ्तर वहां पर दिया और उसकी अप्रूवल भी हमने दिया, और बहुत जल्दी वहां पर एसडीएम का दफ्तर खुलेगा। इसी तरह से आपकी मांग थी कि बीडीओ का दफ्तर, क्योंकि विकास के लिए सबसे ज्यादा ये चीजें बहुत आवश्यक है, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जहां विकास कार्यों को लेकर के सदैव आपको आना जाना पड़ता है। बीडीओ का दफ्तर की मांग थी और वो मांग बहुत लंबे समय से थी, और मैं इस बात को लेकर के महसूस कर रहा था कि ये कैसे किया जाए। अब लोगों ने रास्ता निकाला कि कुछ पंचायतों को यहां डाला जाए, कुछ पंचायतों को वहां डाला जाए, ऐसा करते करते आपको बीडीओ का दफ्तर भी बना करके हमने दिया, और वो भी सुचारू रूप से काम करना शुरू कर चुका है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाकी सारी चीजों को लेकर के आप सबने जो बातें कही हैं, उन बातों को लेकर के हम आने वाले समय में हम काम करते ही रहेंगे। देखिए, मेरा इतना जरूर है कि वो क्षेत्र ऐसा है, मैं मानता हूं कि थोड़ी कठिनाई आपको जरूर आती है, और कठिनाई इसलिए आती है कि उस क्षेत्र में जो विधायक हैं वो अपने आप को राजा परिवार से मानते हैं, और दूसरे लोग उनको किस खेत की मूली मानते हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा उसमें कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, लेकिन उस क्षेत्र में जिस तरह से आप सब लोग संगठित होकर के काम कर रहे हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बड़े लोगों से छोटे लोगों की ताकत बहुत ज्यादा होती है जब छोटे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और ऐसे उदाहरण एक जगह नहीं अनेक जगह देखने को मिले। तो इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर के एक चुनौती प्रस्तुत करिए, और उसके बाद मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपके
क्षेत्र के विकास के लिए ना पहले कमी छोड़ी है ना अब आने वाले समय में कमी छोड़ेंगे। हिमाचल में भाजपा की सरकार है और हिमाचल में आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार होगी, ऐसा आप सबसे। और जिन चीजों को लेकर के आप लोगों ने जो कहा है, खासतौर से हॉस्पिटल की मांग को लेकर के आपने बात कही है, धामी में हेल्थ बीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और उसकी सारी मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ, उसकी डिटेल में मंगवा लेता हूँ, अभी हमारे पास है वक्त उस सारी चीज को लेकर के उसको एग्जामिन करके जो किया जा सकता है वो निश्चित रूप से हम करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज संयोग से शहर का अवसर भी है, शहर का उत्सव भी है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए, आप सबका बहुत